नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से आ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व गहलोत सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी का अपहरण हो गया है। वारदात से ठीक पहले बेटी ने केसावत को फ़ोन पर कहा था कि कुछ बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं, पापा जल्दी आओ बचा लो। दरअसल पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत ने प्रताप नगर थाने में बेटी के अपहरण की शिकायत दी है। पुलिस ने बताया कि गोपाल केसावत की 21 साल की बेटी अभिलाषा केसावत का प्रताप नगर थाना इलाके से अपहरण हो गया है। केसावत का कहना है कि उनकी बेटी सोमवार शाम करीब 5 बजे सब्जी खरीदने गई थी। गोपाल केसावत ने पुलिस को बताया कि अभिलाषा सोमवार शाम को 5:30 बजे घर से निकली थी। इसके बाद 6:05 पर उसने मुझे फ़ोन कर कहा, पापा मेरे पीछे लड़के पड़े हैं, तुरंत गाड़ी लेकर आओ। इस पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मैं तुरंत गाड़ी लेकर NRI सर्किल के पास पहुंचा। शाम 6 बजे उसका फ़ोन आया कि पापा मेरे पीछे कुछ लड़के लगे हैं। उसके बाद कांग्रेस नेता तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां उनकी बेटी नहीं मिली और ना ही उनकी स्कूटी मिली है। पता जा रहा कि अभिलाषा स्कूटी से सब्जी लेने NRI सर्किल तक गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने ढूंढना शुरू कर दिया। देर रात तक नहीं पाने पर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इसी बीच एयरपोर्ट रोड पर लड़की की स्कूटी लावारिस हालत में मिली है। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से, जहां मंत्री की बेटी का अपहरण हो गया है।